फ्रेंड्स देखिए माता वैष्णो देवी गुफा, यहाँ पर वैष्णो देवी गुफा के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ भिलाई सेक्टर 6 माता वैष्णो देवी गुफा। ये झांकी बहुत ही फेमस हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितना सारा भीड़ लगा हुआ है। इस झांकी में वैष्णो देवी का संपूर्ण विवरण दिया गया है, तो लाइन बहुत लंबी लगी है और मुझे टिकट लेना पड़ेगा। मैं टिकट ले लेता हूँ और फिर आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बताता हूँ। तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा। कितना सुंदर माता रानी दिख रहा है और देखिए बब्बर शेर भी मोमेंट कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। यहाँ पर VIP पास के थ्रू मैंने टिकट ले करके और अंदर एंट्री कर ली है। और आइए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर माता रानी का अंदर जाने का रास्ता है और हूबहू वैष्णो देवी जैसा बना हुआ है। ये देख लीजिए, प्रथम झांकी में लिखा हुआ है 3 माताएं हैं जो राजा रत्नाकर को स्वप्न में अपने दर्शन दे रही है। माता वैष्णो देवी के बारे में डिटेल में बताया गया है और आगे आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। ये देख लीजिएगा, सेम टू सेम डेकोरेशन बहुत अच्छा किया गया है। ऐसा लग रहा है गुफा के अंदर पर्वत में माता रानी विराजमान है। ये देख लीजिए, भगवान माता वैष्णो देवी श्री रामचंद्र जी से संवाद कर रही हैं, उनका विवरण यहाँ पर दिखाया गया है झांकी के थ्रू। वहाँ पर श्री महाकाल भोले बाबा जी भी हैं और श्री राम भगवान जी हैं, हनुमान जी भी हैं, उनका विवरण किया गया है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा जंगल का दृश्य दिखाया गया है पर्वत का। और ये देख लीजिएगा, 9 उसी को झांकी के थ्रू प्रस्तुत किया गया है। प्रेम से बोलो जय माता दी। ये देख लीजिए, यहाँ पर भैरवनाथ द्वारा माता वैष्णो देवी का प्रसंग दिखाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। भाई देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, पूरा गुफा बना हुआ है पर्वत का, जटाएं भी दिख रही है। ये देख लीजिए, पवनसुत हनुमान जी हैं जो माता रानी जो है तो तीर चला करके, माता वैष्णो देवी जी तीर चला करके और प्यासे वानरों को बाण के थ्रू अपना प्यास बुझा रही हैं वानर की। और ये देख लीजिए, यहीं पर लक्ष्मण झूला भी है। यह झूला बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये एक असुर है और हनुमान जी हैं, उनका युद्ध हो रहा है। माता जी का पीछा करते ये आए हैं और हनुमान जी माता जी की रक्षा कर रहे हैं और उनको रोक रहे हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको अर्धकुंवारी गर्भ गृह प्रवेश, जहाँ पर माता रानी विराजमान है। आगे देखते जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देख लीजिए माता रानी का गर्भगृह प्रवेश, कितना मनमोहक और सुंदर दिख रहा है। माता रानी अंदर पर्वत में विराजमान है। ये देख लीजिए, यहाँ पर असुर का संहार कर दिया गया है माता रानी के थ्रू, जो कि साफ दिख रहा है। भाई सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया है। अब मैं आपको कराता हूँ माता वैष्णो देवी पिंडी दर्शन, जहाँ पर माता वैष्णो देवी विराजमान है। जय माता वैष्णो देवी। साक्षात माता हूबहू वैष्णो देवी लग रहा है। अगर कोई वैष्णो देवी नहीं गया है तो इस वीडियो में भी वो सेम टू सेम वैष्णो देवी माता के दर्शन कर सकता है। और मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ से नदी का उद्गम हुआ है, पूरा नदी बहता हुआ दिख रहा है, कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय। ये देख लीजिएगा, बोलो अम्बे मात की जय। देखिए बब्बर शेर दोनों साइड माता रानी के दिख रहे हैं
और माता रानी झूले में विराजमान हैं और कितनी सुंदर अविस्मरणीय मनमोहक दिख रही हैं, कितनी सुंदर माता रानी हैं आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। जिसने भी ये झांकी बनाया बहुत ही सुंदर बनाया है। और आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आगे पर माता रानी के दर्शन होंगे। और ये जो डेकोरेट किया गया पर्वत का वो भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर सभी लोग जूते चप्पल साइड में उतार देंगे और ये मेन माता रानी बैठी हुई हैं, दुर्गे माता रानी। कितनी सुंदर और कितनी मनमोहक है, बहुत ही सुंदर माता रानी है, मानना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा थीम बनाया इन्होंने और हूबहू वैष्णो देवी जैसा ही लग रहा है। आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बाहर आप गरबा भी कर सकते हैं, यहाँ पर गरबा भी चल रहा है। आप माता रानी के दर्शन करने के बाद गरबा भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार है, एंट्री यहीं से है, VIP गेट पास यहाँ से आपको मिल जाएगा।